हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी जेईई मेंस 2016 सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हे देयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकन। हमारा क्वेश्चन है, डिजाइन अ सर्कुलर कॉलम विद हेलिकल रिइंफोर्समेंट सब्जेक्टेड टू अ वर्किंग लोड ऑफ 1500 किलो न्यूटन। डाया ऑफ कॉलम इज 450 mm। द कॉलम हैज अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ 3.5 meters एंड इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ एंड बट नो रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन। यूज लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड। यूज M25 कंक्रीट एंड HYSD Fe415 स्टील। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे क्वेश्चन में गिवन है P इज इक्वल टू 1500 किलो न्यूटन। यह हमारा P जो है हमारा वर्किंग लोड है। वर्किंग लोड, अगर हम फैक्टर्ड लोड निकालना चाहें तो हमें करना क्या है, वर्किंग लोड में 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फैक्टर लोड इज इक्वल टू, फैक्टर लोड PU इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1500 इज इक्वल टू आ गया 2250 किलो न्यूटन। इसे हम लिख सकते हैं 2250 इंटू 10^3 न्यूटन। ठीक है, सर्कुलर डाया हमारी है 450 mm जो हमारी क्वेश्चन में दे रखा है। सर्कुलर डाया इज इक्वल टू 450 mm। डाया इज इक्वल टू 450 mm। एल इफेक्टिव हमारा दे रखा है 3.5 meters, जिसे हम mm में लिख सकते हैं 3500 mm। ठीक है, और ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दे रखा है M25। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अगर M25 दे रखा है, इसका मतलब हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमारी हो गई 25 MPa। ठीक है, FC के इज इक्वल टू 25 MPa और हमारा ग्रेड ऑफ स्टील दे रखा है Fe415, यानी FI की वैल्यू भी दे रखी है 415 MPa। ठीक है, तो हमारा ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 दे रखा है, तो FI की वैल्यू हो गई हमारी 415 MPa। ठीक है, अब हम सिलेंडरनेस रेशियो से फाइंड चेक करते हैं कि ये हमारा शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है। ठीक है, तो चेक फॉर सिलेंडर रेशियो क्या होता है, एल इफेक्टिव अपॉन डी यानी डाया। ठीक है, एल इफेक्टिव हमारा 3.5 इंटू 10^3 mm दिया हुआ है। ठीक है, यानी 3500 mm, अपॉन डाया दिया हुआ हमारी 450 mm, तो दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाता है 7.77। ठीक है, तो इसमें एक क्या कंडीशन है कि अगर 12 से लेस होगा सिलेंडर रेशियो तो हमारी हो जाती है ये शॉर्ट कॉलम। लेस देन 12 हमारा अगर सिलेंडरनेस रेशियो रहता है तो ये हमारा शॉर्ट कॉलम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट कॉलम है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिनिमम इसेंट्रिसिटी की। ठीक है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी है ना, उसमें क्या है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी में ग्रेटर ऑफ दो वैल्यू में जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा क्या होगा, मिनिमम इसेंट्रिसिटी होगा। एल इफेक्टिव अपॉन 500 प्लस डी अपॉन 30 और 20 mm, ये दोनों वैल्यू में जो ग्रेटर होगी, विच एवर इज ग्रेटर, वो वैल्यू हमारी मिनिमम इसेंट्रिसिटी की होगी। तो ई मिनिमम इज इक्वल टू एल इफेक्टिव हमारा 3500 mm अपॉन 500 प्लस 450 अपॉन 30, तो आ जाता है हमारे क्या, 7 इज इक्वल टू 22 mm। तो हमारा 20 mm और 22 mm में 22 mm हमारा ग्रेटर है, यानी मिनिमम इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारी आ गई 22 mm। ठीक है, ये हमारी मिनिमम इसेंट्रिसिटी हो गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोड अगर ई मिनिमम यानी मिनिमम इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0.05 D से लेस होगी तो हम स्पायरल कॉलम के लिए यूज़ करते हैं, तब हम स्पायरल कॉलम की यूज़ करते हैं PU इज इक्वल टू 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील इंटू 1.05। किसके लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ स्पायरल कॉलम के लिए, फोर स्पायरल कॉलम। ठीक है, ठीक है, प्रोवाइड दैट वॉल्यूम ऑफ अ स्पायरल रिइंफोर्समेंट, तो यहाँ पर वैल्यू देख लो पहले, 0.05 इंटू 450 इज इक्वल टू हमारा आ गया 22.5, तो यही मिनिमम हमारा लेस हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर देख लो, प्रोवाइडेड दैट वॉल्यूम ऑफ स्पायरल इन्फोर्समेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर, वॉल्यूम ऑफ अ स्पायरल इन्फोर्समेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर कोर लेस देन इक्वल टू 0.36 अपॉन ग्रोस एरिया अपॉन कोर एरिया माइनस वन इन टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन एफ वाई, एफ सी के अपॉन एफ वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू पाई बाई फोर, पाई बाई फोर डी स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्टील, डी स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है पाई बाई फोर इंटू 450 के स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ स्टील है। तो अभी हमने इक्वेशन लेके रखा था पी यू के लिए, फैक्टर लोड के लिए, पी यू इज इक्वल टू 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई इंटू एरिया ऑफ स्टील इंटू 1.05। ठीक है, तो हमारे फैक्टर लोड फाइंड किया हुआ है 2250 इंटू 10^3 इज इक्वल टू 10^3 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 25 इंटू 1590439.5 माइनस एरिया ऑफ स्टील इंटू प्लस 0.67 एफ वाई हमारा 415 था, 415 इंटू एरिया ऑफ स्टील इंटू 1.05। तो हमारे यहाँ से एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू आ जाती है 2060.89, ठीक है, mm². ठीक है, जो हमारी अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी 2060.9 लिख सकते हैं इसे। एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू 2060.9 mm². ठीक है, आफ चेकिंग फॉर ए मिनिमम, चेकिंग फॉर ए मिनिमम क्या होना चाहिए, 0.8% ऑफ ग्रोस एरिया का। ग्रोस एरिया हमारा क्या हो गया, पाई बाई फोर एन टू डी सी स्क्वायर। ठीक है, तो 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे 0.8 अपॉन 100 इंटू पाई बाई फोर इंटू 450 के स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा जाता है 1273 mm². ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील जो हमारा है एनी मिनिमम से ग्रेटर है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ठीक है, ओके, ये हमारा ओके हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हमने फाइंड किया मेन रिइंफोर्समेंट एरिया इज 2060.9 mm², है ना। मेन रिइंफोर्समेंट एरिया रिक्वायरमेंट इज 2060.9 mm². सो प्रोवाइड क्या करते हैं हम, 18 mm डाया का बार प्रोवाइड करते हैं चार, और 20 mm डाया का बार प्रोवाइड करते हैं चार। ठीक है, बार फोर इन नंबर। ठीक है, तो एरिया प्रोवाइडेड कितना हो जाएगा हमारा, पाई बाई फोर 18 का स्क्वायर, हमने चार प्रोवाइड किया है 18 mm डाया का, तो पाई बाई फोर 18 का स्क्वायर, पाई बाई फोर इंटू 18 का स्क्वायर प्लस चार हमने प्रोवाइड किया है 20 mm डाया का, तो पाई बाई फोर इंटू 20 का स्क्वायर, पाई बाई फोर इंटू 20 का स्क्वायर, टोटल हमारे 8 किया है यानी 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2274.5 mm², एरिया प्रोवाइडेड हमारा आ गया। ठीक है, सो चेक फॉर लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, चेक फॉर लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट। ठीक है, पहला क्या है, डाया ऑफ बार ग्रेटर देन 12 mm, डाया ऑफ बार जो है हमारा ग्रेटर देन 12 mm, ये भी ठीक है। एक हमने ले रखा है क्या 18 mm का, दूसरा 20 mm का, ये भी ओके। सेकंड हमारा क्या है, एरिया ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्टील मिनिमम, ये भी सही है, हमने देख रखा है। थर्ड क्या है, स्पेसिंग बिटवीन बार अलॉन्ग पेरीफेरी, स्पेसिंग बिटवीन बार्स अलॉन्ग पेरीफेरी इज इक्वल टू
π/8 × 350, π/8 × 350, ठीक है, इज इक्वल टू 137.44, जो कि देख रखे हो क्या कि 300 mm से लेस है, तो ये भी हमारा ओके हो गया। ठीक है, और हम बात करते हैं क्या डिज़ाइन ऑफ स्पायरल इन्फोर्समेंट की, डिज़ाइन ऑफ स्पायरल इन्फोर्समेंट। ठीक है, रिकमेंडेशन फोर द डाई ऑफ स्पायरल इज एज दैट ऑफ लेटरल टाइज इन कॉलम, डाई ऑफ स्पायरल इज दैट ऑफ लेटरल टाइज इन कॉलम, दैट ऑफ लेटरल टाइज इन कॉलम। इसका क्या मतलब, इसका मतलब हमारा स्पायरल का डाया जो होगा लेस देन इक्वल टू होगा लॉन्गिट्यूडल बार के डाया 1/4 का। ठीक है, स्पायरल डाया लेस देन इक्वल टू 1/4 लॉन्गिट्यूडनल बार, ठीक है, लार्जेस्ट और 6 mm, ठीक है, 6 mm। हमारे केस में क्या होगा, हमारे केस में होगा फाई स्पायरल मतलब डाई ऑफ स्पायरल 20/5 mm और 6 mm, ठीक है। तो लेट अस अडॉप्ट द डाई ऑफ स्पायरल एस 6 mm, ठीक है, डाई ऑफ स्पायरल 6 mm। अब हम बात करते हैं पिच ऑफ स्पायरल की, पिच ऑफ द स्पायरल। हियर वी कंसिडर 5% स्ट्रेंथ फॉर द स्पायरल कॉलम, ओके, 5% एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ फॉर द स्पायरल कॉलम, देन वी हैव टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिकमेंडेशन, स्ट्रेंथ फॉर स्पायरल कॉलम, देन वी हैव टू सेटिस्फाई the following condition or recommendation, following recommendation। पहले क्या होगा, फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ स्पायरल इन्फोर्समेंट, अपन वॉल्यूम ऑफ स्पायरल इन्फोर्समेंट अपन वॉल्यूम ऑफ कोर लेस देन इक्वल टू 0.36, ग्रॉस एरिया अपन कोर एरिया -1 इंटू FCK अपन FY। ठीक है, अब हम पीच को डिस्कस करें, पीच जैसे हम S से डिनोट करते हैं ना, पीच वन बाई सिक्स इंटू कोर ऑफ डाया 25 mm और 3 × डाई ऑफ स्पायरल। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लियर कवर जो है अज्यूम कर लेते हैं 40 mm, अज्यूम क्लियर कवर ऑफ 40 mm। तो हम अब डाया ऑफ कोर फाइंड कर लें, तो कोर का डाया हमारा हो जाता है 450 माइनस कोर डाया इज इक्वल टू, जैसे DC से नोट कर रहे हैं 450 -40 × 2, है ना, तो हमारा आ जाता है 450 - 80 इज इक्वल टू 370 mm। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोर पर यूनिट हाइट ऑफ कॉलम की, VC की। इसे हम क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोर पर यूनिट हाइट ऑफ कॉलम, पर यूनिट हाइट ऑफ कॉलम। ठीक है, तो इसे हम कैसे फाइंड करते हैं, π/4 DC² π/4 कोर डाई का स्क्वायर इंटू 1000, तो हमारा जाता है π/4 × 370² इंटू 1000 इज इक्वल टू 107.521 008.6 mm³। ठीक है, अब हम बात करते हैं VH की, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट इन यूनिट लेंथ, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट यूनिट लेंथ। तो इसे कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ टर्न यूनिट हाइट में जितना नंबर ऑफ टर्न होता है, नंबर ऑफ टर्न
यूनिट इन यूनिट हाइट, ठीक है, इनटू लेंथ ऑफ वन टर्न, इनटू लेंथ ऑफ वन टर्न, उसको क्या करेंगे हम, क्रॉस सेक्शन एरिया हेलिकल एनफोर्समेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेलिकल एनफोर्समेंट, हेलिकल एनफोर्समेंट हमारी वेज आ जाती है, हमारी वॉल्यूम ऑफ हेलिकल एनफोर्समेंट यूनिट लेंथ आ जाती है 1000 अपॉन एस इंटू पाई डी एच, 1000 अपॉन एस इंटू पाई डी एच इंटू पाई ऑफ 4 हेलिकल एनफोर्समेंट का डायरेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एस क्या है हमारा, यहाँ पर एस जो हमारा है हमारा पिच लेंथ है, याद रखना पिच लेंथ है। चलो हम वेज की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वेज इज इक्वल टू 1000 अपॉन एस इंटू पाई, डी एच को हम लिख सकते हैं क्या, कोड आया माइनस फाइव इंटू पाई फोर फाइव स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, ठीक है। तो 1000 अपॉन एस इंटू पाई इंटू 370 माइनस सिक्स इंटू पाई बाई फोर सिक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी वेज की वैल्यू आ जाती है वेज इज इक्वल टू 3233 2824 102 अपॉन एस। तो हमने वॉल्यूम ऑफ हेलिकल एनफोर्समेंट इन यूनिट लेंथ फाइंड कर लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोड फॉर हेलिकल एनफोर्समेंट, कोड फॉर हेलिकल एनफोर्समेंट एनफोर्समेंट 0.36 एफ सी के अपॉन एफ वाई इंटू ग्रॉस एरिया अपॉन कोर एरिया माइनस वन लेस देन इक्वल टू ओएच अपॉन वीसी, ठीक है। तो हमने सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करके यहाँ से हम एस फाइंड कर सकते हैं, 0.36 इंटू 25 एफ वाई दिया हुआ था 415, ठीक है, पाई बाई फोर इंटू 450 के स्क्वायर अपॉन पाई बाई फोर इंटू 370 के स्क्वायर माइनस वन लेस देन इक्वल टू 3233 2824.02 अपॉन एस इंटू 1075 21008.6.6, ठीक है। यहाँ से हमारी एस की वैल्यू आ जाती है लेस देन 28.94 mm, ठीक है। एज पर कोड एस इज लेस देन 75 mm और डी सी बाय सिक्स, ठीक है। एस इज लेस देन 75 mm और डी सी बाय सिक्स, तो हमारा डी सी बक्स क्या होगा, 370/6 इज इक्वल टू क्या आ गया, 61.87 mm, ठीक है। या एस इज ग्रेटर देन 25 mm और 3325, हमारी फाइव क्या, हमारी बार कटाया था 6 mm का, तो 3 × 6 इज इक्वल टू 18 mm हो जाएगा, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमारा डी हो गया, ठीक है, ये हमारा डी हो गया। ये डी हम कैसे डाया फाइंड करेंगे, 450 माइनस 80 माइनस 20, ठीक है ना, 450 माइनस 80 माइनस 20, यानी डी सी में हम सीधे माइनस करते हैं 20 को, तो 350 में हमारा आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे हम 8 टोटल बार प्रोवाइड करते हैं जो अल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन पे होगा, 4 जो हमारा होगा वो 18 mm डायर का होगा और 4 जो होगा हमारा 20 mm डायर का होगा। कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, अल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन होगी, मतलब एक होगा हमारा 18 mm डायर का, दूसरा हमारा होगा 20 mm डायर का, फिर 18 mm डायर, फिर 20 mm डायर, ऐसे करते हुए हमने 8 डायर को 8 बार का यूज़ किया, ठीक है। फोन नंबर 20 mm डायर का, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी, अल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है, बात आई समझ में। तो हमें कुल मिलाकर इतना ही करना था, ये हमारा क्वेश्चन थर्ड डे कंप्लीट हो गया।